और काम ज्यादा, ठीक है, क्योंकि हमें ड्यूटी भी जाना है, ठीक है। अभी जी आप मेरे कहने माने तो आप ड्यूटी मत जाइए। क्यों? सुबह चले जाना, तो ठीक है, हमारी और आपकी मिलन तो ठीक है, आज नहीं हम कल भोर होते ही चले जाएंगे, ठीक है। कि तेरे मेरे बीच में हो, तेरे मेरे बीच में कैसा हो या बंधन अनजाना, कैसा हो या बंधन अनजाना, तूने नहीं जाना। क्या करूं, जाना भी बहुत जरूरी है, अगर हम यहाँ पे रहेंगे तो कैसे यहाँ का काम चलेगा। अरे अरे तेरी आज सताए मेरी नींद चुराए अब के दिल वाले, I'm
नहीं रहू। अभी तक मंत्री वापस नहीं आए। महाराज जी बैठिए, मंत्री साहब आते ही होंगे। मुझे बहुत अफसोस है। किस बात का? आज सुबह से मेरी माई आंख फड़क रही है। ना मालूम बात क्या है, बाई आंख फड़कते फड़कते बंद हुई तो दाहिन फड़कने लगी। आखिर बात क्या है? मंत्री साहब कहा मंत्री हराम जादे, अगर गलत जुबान निकाली तो जुबान कटवा लू। तुम्हें नहीं मालूम आई एम चमेली, आओ हम इंतजार करते हैं। तो बहुत अच्छे ढंग से हम किए, पहुंचते ही उससे हमसे और गोला बारूद चालू स्टार्ट हो गया, यानी मार दिया। और धीरे धीरे करके एक हमारी ऐसे राइफल की गोली जाकर उसके बाजू में लगी, या और वो पहाड़ी से नीचे लुढ़कता हुआ चला गया। अच्छा हुआ मर गया या नहीं। और उस खून के सीटे देखा लेकिन उसकी लाश ना मिली। हमको लगता है जब मर गया शेर बाघ चीता उसे खा गया, लेकिन नहीं। मंत्री जी आज मैंने एक सपना देख रही थी। सपना क्या देख रही थी कि मैं अपनी हवेली पे चढ़कर छत के ऊपर खड़ी थी, और क्या देख रही हूं, सेनापति अपने बंगले पे चाय पी रहा है बैठ करके। ऐसा नहीं, कभी कभी सपने भी साकार हो जाते हैं। लेकिन प्रिय जो तुम सपना देखी हो ना, बिल्कुल सही है। स्याही नहीं सौरी आया। अभी अभी हम रियासत घूम कर सेनापति के बंगले की तरफ से घूमा, तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, क्या कि वाकई में सेनापति रणवीर प्रताप सिंह बंगले में बैठा चाय पी रहा। देखा, मेरा सही अंदाजा निकला, यानी तुम मुझे धोखे में डाल रहे थे। अच्छा बताओ गोली कहां मार रहे हो? अबे बहुत हिसाब से राइफल संभाल के उसके सीने पे मारा। सीने पे तो साला मारा नहीं। अगर गोली तुम होके छाती मारे होता तो साला मर जाता। अरे छाती और सीना अलग अलग है का? बिल्कुल अलग अलग है। का अलग अलग? सीना सीना होता है, छाती में बच्चे दूध पीते हैं। नीरव वाकई में तुमने सटीक बात कह रहे हो, लेकिन लोगों को बुरा लगता होगा। सबसे पहले जाओ दो चाय लेकर आओ। चाय, चाय से तो जवानी बढ़ेगी, और जब जवानी बढ़ेगी तो ये महारानी चमेली का कमाल देखो। अब एक काम करो। हाँ अरे लम्बा दारिन हम हैं रे। ये जवानी बाढ़त का? नहीं बाढ़त नहीं, नहीं इधर जवानी बाढ़त इधर इधर एकदम ठीक है, दूरी जवानी बाढ़त नहीं मोटा रही। लेकिन प्रिय सेना पर रणवीर प्रताप सिंह बच गया, बच गया। एक ना एक दिन हमारी और तुम्हारी राज को उलट कर रख देगा। वो तो मुझे मालूम, जो हम चाहते हैं ताज और तख्त वो हासिल कभी नहीं होगा। वो हासिल नहीं होगा और हमें तुम्हें मौत के घाट पहुंचा देगा। इससे अच्छा है कि अब जो काम तुम नहीं कर सके वो ये चमेली करेगी।
कैसे? कहो कैसे? कैसे? क्या करूंगी? कैसे? अरे मैं अपना तेरे चरित्र सेनापति के ऊपर डालूंगी, जब वो मेरे तेरे चरित्र में फंस जाएगा तो आसानी से काम हो। नहीं रहो इधर। क्यों ठीक हूँ? और कोई ऐसा जाल फेंको कोई? अरे ऐसा जाल फेंको कि जौने हम सहारी फंसा थे। सहारी फंसा थे बड़कवा पन्ना ना फंसा साथे। अबे ऐसा जाल जिसमें वो फंस जाए रणवीर प्रताप से। एक काम करो, जो तुमको करना है वो करो। रणवीर प्रताप सिंह को ऐसा फंसाऊंगी अपने इस जाल में कि शायद वो समझ नहीं पाएगा कि ये महारानी चमेली की चाल क्या थी। एक काम करो, जो तुमको करना है वो करो। वक्त आया तो मैं महाराज को लेकर आ जाऊंगा। अब ठीक, जो कुछ करना है तुम्ही को करना। जाओ एबे, चल चाय पीते हैं। मेरी बात सुनो, चाय बाद में पीना, इतनी जल्दी क्यों? फिर क्या हो? ऐसे तो आते थे, एक चुम्मा तो मुझे उधार दे दे। अरे चुम्मा चाहे बदले में हमारी जान ले ले। अब वो हिलाए कल है ना, एक खंभा में लाइट रहे। तुम बहुत बोलते हो। ऐसी बात नहीं है, मेरी बात सुनो। देखो जब से ये हम मैं चल रहा हूँ बेटा, तुम जल्दी अंदर आओ। जब से सेना पर जूता ले गया था तभी से हमको डर लग रहा है। अरे तभी थी तो मेरी दिलो और दिमाग में जैसे गोली लग गई। अचानक अगर महाराज जान जाएंगे तो हेराज खुल जाएगी, तो हम तुम दोनों को फांसी होगी, फांसी हो जाएगी। इससे पहले कि फांसी हो, सेनापत को मारो, हर हाल में हम चल रहे हैं। लेकिन महाराज के पास मेरी बात सुनकर जाओ, अगर वो नहीं मानता है तो मैं अपना तिरिया जाल बहाऊंगी और उसे जबरियन प्यार करना चाहूंगी। जैसे ही मैं चिल्लाऊंगी वैसे ही तुम महाराज को लेकर मेरे मैं सामने आ जाना, कमरे में आ जाना। ठीक है जाओ। बेटा अब ये चमेली की चाल किस तरह चली जाती? आ गए? खड़े हो गए क्या? अरे खड़े बहुत मारूंगी। नहीं रहो, मैं वो मंत्री नहीं, मेरा नाम आई एम चमेली। आवाज पहचान और जरा इस बदन को देख। बदन का देखी चचे ने करे के मिले काम। जाओ जा करके सेनापत रघुवीर प्रताप सिंह को बोल दो जाकर, महारानी तुम्हें याद किया है 9 महीनों में। अभी जा रहा हूँ सेनापत जी के बंगले, बोलूंगा कि महारानी तुम्हें 9 महीने में बुलाई। 9 महीने में नहीं, 9 महीनों में। तुम भी चुप रहो बेटा, नहीं पे ले जाओगे वहां। कारण क्या है जितनी रात में मुझे तत्काल बुलाया गया है? जरूर बताऊंगी। कहो। बुलाने का कारण आपको जरूर ये महारानी
रानी चमेली बताएगी। जरा हम देखे तो ठीक है। वाह ये रिवाल्वर, लेकिन ये काम तो कभी नहीं पूछा था, लेकिन आज पूछना पड़ रहा है। मेरी बात सुनो, नौकर हो और नौकर की हैसियत क्या होती है? नौकर की हैसियत आज ना जाने मेरे दिल और दिमाग में क्या है कि जब से मैं तुम्हें देखा तब से मेरा दिल न जाने तुम्हें ये कह रहा है कि सीने से लगा लूं। नौकर, ये आपका सोचना बिल्कुल गलत है। जैसा आप सोचती है वैसा होने वाला नहीं है। Yeah.
महाराज, ऐसा मौका दोबारा नहीं पाओगे। जैसे रह जाता है, आप दस होती है, बिल्कुल गलत सोचती है, ये मुझसे कभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने सम्राट का नमक खाया है, मैंने सम्राट का नमक खाया है, और नमक खा करके मैं खाली नहीं करूंगा। अरे छोड़ो, कायदा की जिस पर दंड खाया जाता है उसमें छेद नहीं किया जाता है। छोड़ो, महाराज को पीछे और आ जाओ एक बार सीनी से लग जाओ। नहीं, नहीं, नहीं। लाटुल्लू मोटर चढ़ा के टुल्लू का मोटर नहलाना कार्य
हला ये पानी जगी है। हाँ वो कैसे? अरे पानी मुंह पे मारा जाएगा छींटे। अरे ऐसे पीठी मार दिन जाता। पानी इधर आओ, इधर आओ। अरे जरा हम कहा आवाज बिल्कुल निर्दोष हो और मुझसे ऐसा होना जी।